हेलो फ्रेंड्स, आपंक स्वागत करुचे स्टडी विथ रिंकु साहू चैनल। फ्रेंड्स, एक क्लास में द्वितीय विश्वयुद्धर मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टी क्वेश्चन को डिस्कस करिबा। आपण जदि प्रथम विश्वयुद्धर समस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करा जाइछि ताहा देखि नहंती ताले डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, आपण सेटा को जाय देखि पारिबे। एवं आम चैनल टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे नहंती ताले डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, आपण सेटा को जाय जॉइन हे पारिबे। ए बोली प्रतिदिन क्लास देखिबा पई तेनु आरंभ करिबा। द्वितीय विश्वयुद्धर मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टी क्वेश्चन रहइबो एथरे। हेन वाइज सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड, द्वितीय विश्वयुद्ध केबे आरंभ होता। द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होता प्रथम सेप्टेम्बर 1939 मसीह आरंभ होता। फास्ट सेप्टेम्बर 1939 मसीह द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ह्वाट व्वाज एनादर नेम अफ सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्वयुद्धर अन्य नाम कौन था? तार अन्य नाम था टोटाल वार एवं ग्लोबल वार। समस्त देश ए इनवल्व होते से ग्लोबल वार कह जाए और समस्त इनवल्व होते सेथिपई हाको टोटल वार कहा जाए। तेणु यार सटिक आंसर सी हे बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द सेकेंड वर्ल्ड वार आज फट इन, सेकेंड वर्ल्ड वार केबेरु केबे पर्यंत होता? सेकेंड वर्ल्ड वार होता फास्ट सेप्टेम्बर 1939 रु सेकेंड सेप्टेम्बर 1945 पर्यंत होता। फास्ट सेप्टेम्बर 1939 रु सेकेंड सेप्टेम्बर 1945 पर्यंत होता सेकेंड वर्ल्ड वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हाउ मेनी इयर्स सेकेंड वर्ल्ड वार बिगेन, सेकेंड वर्ल्ड वार केते वर्ष होता? सेकेंड वर्ल्ड वार होता 6 वर्ष, 1939 मसीह 1945 मसीह पर्यंत। तेणु 6 वर्ष होता द्वितीय विश्वयुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हाउ मेनी कंट्री पार्टिसिपेट इन सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्वयुद्ध रे केतेटी देश जॉइन करते? यार सटिक आंसर हम 61 टी कंट्री जॉइन करते पार्टिसिपेट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इन सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्वयुद्ध रे वर्ल्ड को केतेटी भाग रे विभक्त करा जाइतिला? यहाँ को दुईटी भाग रे विभक्त करा जाइतिला, गोटे थिले एक्सिस पावर एवं अन्यटी थिले एलाइड पावर। ए भावली भाव रे दुईटी भाग रे विभक्त करा जाइतिला, गोटे होची एक्सिस पावर एवं गोटे होची एलाइड पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्वयुद्ध काहीं की होइतिला? फेल्युअर अफ लीग अफ नेसन, लीग अफ नेसन रेल्युअर, द्वितीय विश्वयुद्ध पर लीग अफ नेसन को तैयारी द्वितीय विश्वयुद्ध हे ना बोली प्रथम विश्वयुद्ध पर लीग अफ नेसन को तैयारी प्रथम विश्वयुद्ध पर लीग अफ नेसन को तैयारी कहीं द्वितीय विश्वयुद्ध होना और शांति बजाय रखापी यह फेल्युअर हो जाता। और ट्रिटी अफ वर्सायल्स, यही वर्सायल ट्रिटी जो जर्मानी को अनेक गुड़े अपमान सहवापी पड़ूगा। फ्रांस बैड बिहेवियर विथ जर्मनी, जर्मनी सहित खराब व्यवहार करूला जर्मनी ई फ्रांस, से फ्रांस खराब व्यवहार करूला जर्मनी सहित, से समस्त हो रहा कारण द्वितीय विश्वयुद्धर। तेणु यार सठिक आंसर हम ऑल ऑफ द अबव, यह समस्त कारण पर द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वेयर ए पार्ट ऑफ एलाइड पावर इन वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्वयुद्ध में दुईटे पावर थे, गोटे थे एलाइड और गोटे थे एक्सिस। तेणु एलाइड पावर रे को देश थिले, एलाइड पावर रे को देश थिले, एलाइड पावर रे थिले यही समस्त देश थिले यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना एवं पोलैंड। यही समस्त देश थिले एलाइड पावर रे, यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना एवं पोलैंड। तेणु यार सटिक आंसर डी हेबो, ये समस्त देश थिले एलाइड पावर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वेयर ए पार्ट ऑफ एक्सिस पावर इन वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्वयुद्ध रे एक्सिस पावर रे को माने थिले? एक्सिस पावर रे, एक्सिस पावर रे, एक्सिस पावर रे थिले जर्मनी, इटली एवं जापान। जर्मनी, इटली एवं जापान थिले एक्सिस पावर रे। तेणु यार सटिक आंसर डी हेब, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमीडिएट कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्वयुद्धर कारण इमीडिएट कारण कौन थिला? जर्मनी अटैक पोलैंड, जर्मनी पोलैंड को आक्रमण करथिला ताहा द्वारा होता द्वितीय विश्वयुद्ध, इमीडिएट कॉज पचार यही समस्त तहार कारण था। फ्रांस एवं इंग्लैंड मध्य आक्रमण करते जर्मनी को, प्रथम जर्मनी अटैक करथिला पोलैंड को, तापर फ्रांस एवं इंग्लैंड आक्रमण करते जर्मनी को, एवं यूएसएसआर तापर आक्रमण करथिला पोलैंड को। एभली भाव में द्वितीय विश्वयुद्ध होता। तेणु यार इमीडिएट कारण पचार तेणु यार सटिक आंसर हम प्रथम था जर्मनी अटैक करथिला पोलैंड को, केबे करथिला? फास्ट सेप्टेम्बर, फास्ट सेप्टेम्बर 1939 आक्रमण करथिला एवं एहा द्वारा आरंभ होता द्वितीय विश्वयुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच टू कंट्री वेयर द फास्ट टू डिक्लेयर ऑन जर्मनी,
वार वार डिक्लेयर करते एटार वार लिखा है ना कौ दुईट देश वार डिक्लेयर करते जर्मानी को यार सठिक आंसर है फ्रांस एवं इंग्लैंड हे ए फ्रांस एवं इंग्लैंड ऑप्शन नहीं फ्रांस एवं इंग्लैंड डिक्लेयर करते जर्मानी को प्रथम थरपाई के थर्ड सेप्टेम्बर 1939 मसीह फर्स्ट सेप्टेम्बर विश्वजुद्ध आरंभ होता तापर थर्ड सेप्टेम्बर जर्मानी जर्मानी को आक्रमण करते फ्रांस एवं इंग्लैंड तेणु यार सठिक आंसर है फ्रांस एवं इंग्लैंड एटारे ऑप्शन ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द लीडर ऑफ द नाजी नाजी पार्टी लीडर किए थे नाजी पार्टी लीडर थे हिटलर थे नाजी पार्टी लीडर थे हिटलर जर्मानी पार्टी थी नाजी पार्टी और तहार लीडर थे हिटलर थे एवं यही पार्टी को शॉर्टली कहा जाए एनएसडीएपी कहा जाए यही पार्टी को शॉर्टली नाजी पार्टी को नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ दिस इवेंट्स बिगेन द वार वार बिटवीन यूएस एंड जापान यूएस एवं जापान मध्य युद्ध होता ताकि होता कौ इवेंट जो कहीं होता ता बॉम्बिंग ऑफ पर्ल हार्बर अर्थात यूएस पर्ल हार्बर टारे आक्रमण करथिला जापान से होता दुई जनक मध्य युद्ध होता यह केबे होता 7 सेप्टेम्बर 1941 मसीह 7 सेप्टेम्बर 1941 मसीह 1941 7 डिसेम्बर 1941 मसीह होता नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फ्रेंड्स आपण जदि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ताहले ताहा करंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ दिज लीडर्स आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड ब्रिटेन रो प्राइम मिनिस्टर पीएम किए थे ब्रिटेन रो सेकेंड वर्ल्ड वार समय रे चर्चिल विंस्टन चर्चिल थे प्रधानमंत्री कोठार ब्रिटेन रो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ एलाइड को कंट्री एलाइड पावर रो नथिले एलाइड पावर को कंट्री नथिले इटली इटली नथिला एलाइड पावर रो तेणु यार सठिक आंसर हम डी हेबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट वाज द कोड नेम फॉर द एलाइड इन्वेजन ऑफ नॉर्मांडी नॉर्मांडी बा नॉर्मांडी बैटल रो कोड कोन थिला बैटल ऑफ नॉर्मांडी यार कोड कौन थिला कह जाए ऑपरेशन ओवरलैंड ऑपरेशन ओवरलैंड बा नॉर्मांडी बैटल यार कोड कौन थिला यह केबे होइतिला 6 जून 1944 मसीह यार कोड थिला डी डे थिले यार कोड डी डे थिला नॉर्मांडी बैटल कह जाए यहाँ को बा ऑपरेशन ओवरलैंड 6 जून 1944 मसीह 6 जून 1944 मसीह नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट वन ऑफ द एक्सिस कंट्री कोटा एक्सिस कंट्री नथिले ए चारोटी मध्य कोटा एक्सिस रो पार्ट नथिले एक्सिस कंट्री रो सोवियत यूनियन नथिला एक्सिस कंट्री रो इटली जापान एवं जर्मनी थिला सोवियत सॉरी एक्सिस पावर रो किंतु सोवियत यूनियन नथिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच कंट्री फॉट ऑन द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड ईस्टर्न साइड रू कौ कौ देश आक्रमण करुथिले जर्मनी एवं सोवियत यूनियन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द टाइटल ऑफ हिटलर बुक मे कैम्प इन इंग्लिश मीन्स व्हाट हिटलर रो बुक मे कैम्प ता माने इंग्लिश अर्थ कौन अटे बा तहार ऑटोबायोग्राफी मध्य कह जाए मे कैम्प यार इंग्लिश अर्थ कौन अटे इंग्लिश अर्थ होची माय स्ट्रगल हिटलर रो बुक बा तहार ऑटोबायोग्राफी मध्य कह जाए मे कैम्प ता इंग्लिश अर्थ होची माय स्ट्रगल व्हाट डिड यूनाइटेड स्टेट डिक्लेयर वार ऑन जापान इन 1941 यूएसए कहीं डिक्लेयर करथिला जापान को 1941 मसीह कहीं ना जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर जापान अटैक करथिला पर्ल हार्बर रे सेथि पई यूएस डिक्लेयर करथिला 1941 मसीह जापान को डिक्लेयर करथिला वार
এবং এহা কেবে হইতলা তাহার যদি এক্সাক্ট ডেট কেবে যদি পচরা যায় তাহলে 7 বা 8 ডিসেম্বর 7-8 ডিসেম্বর 1941 মশারে। নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা, হু ওয়াজ দ প্রেসিডেন্ট অফ ফ্রান্স ডিউরিং ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সর প্রেসিডেন্ট কে থিলে? ফ্রান্সর প্রেসিডেন্ট থিলে চার্লস ডি গৌলি, সিএ বইয়ার সঠিক আনসার। নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা, হুইচ অফ দ ফলোইং ব্যাটেল ইনভলভ দ লার্জেস্ট এনগেজমেন্ট অফ ট্যাঙ্ক ইন হিস্ট্রি, হিস্ট্রির সবুঠারু অধিক ট্যাঙ্ক কেউ ব্যাটেলে ইনভলভ করা যাই বা ইউজ করা যাই? ব্যাটেল অফ কুর্স্ক, ব্যাটেল অফ কুর্স্ক্রে, সিএ বইয়ার সঠিক আনসার। এবং এ জর্মানি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যে রয়েছিল 1943 মশারে, 1943 মশারে জর্মানি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যে রয়েছিল ব্যাটেল অফ কুর্স্ক। হোয়েন ডিড দ জাপানিজ অ্যাটাক পল হারবর ইন দ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, জাপান কেবে অ্যাটাক করেছিল পল হারবরে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে? তার একজাক্ট ডেট হচ্ছে 7 ডিসেম্বর 1941, 7 ডিসেম্বর 1941। নেক্সট কোশ্চেন দেখবা, হুইচ অফ দ ফলোইং ইজ দ প্রেসিডেন্ট অফ ফ্রান্স ডিউরিং ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সর প্রেসিডেন্ট কে থিলে? ফ্রান্সর প্রেসিডেন্ট কে থিলে? ফ্রান্সর প্রেসিডেন্ট কে থিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে? চার্লস ডি গৌলি। নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা, হোয়েন ডিড জর্মানি ডিক্লেয়ার ওয়ার অন রুশিয়া ইন ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড, কেবে জর্মানি ডিক্লেয়ার করেছিল রুশিয়ার উপরে ওয়ার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে? এর সঠিক আনসার হব 22 জুন 1941, 22 জুন 1941 হব এর সঠিক আনসার, 22 জুন 1941। নেক্সট কোশ্চেন দেখবা, হুইচ অফ দ ফলোইং টু কন্ট্রি ওয়াজ ফার্স্ট ডিক্লেয়ার ওয়ার অন জর্মানি ডিউরিং ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড, প্রথমে কেউ দেশ দুইটি দেশ জর্মানি উপরে আক্রমণ করেছিল ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ডে? এর সঠিক আনসার হব ব্রিটেন এবং ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স করেছিল প্রথমে জর্মানি উপরে ওয়ার ডিক্লেয়ার করেছিল, কেবে করেছিল 3 সেপ্টেম্বর 1939 মশারে, 3 সেপ্টেম্বর 1939 মশারে। নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা, হুইচ অফ দ ফলোইং টু কন্ট্রি সাইন মলটোপ রিবেন্ট্রো ট্রিটি, এ কেউ কেউ দেশ মধ্যে সাইন হয়েছিল, কেউ দুইটি দেশ মধ্যে সাইন হয়েছিল? এ হয়েছিল জর্মানি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যে, জর্মানি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যে এ হয়েছিল। এবং এ কেবে হয়েছিল 23 অগস্টে হয়েছিল, 23 অগস্ট 1939 মশারে, 23 অগস্ট 1939 মশারে হয়েছিল। নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা, হোয়েন ডিড ব্যাটেল অফ ব্রিটেন টেক প্লেস, ব্যাটেল অফ ব্রিটেন কেবে হয়েছিল? ব্রিটেন এবং জর্মানি মধ্যে এই ব্যাটেলটি হয়েছিল ব্যাটেল অফ ব্রিটেন, এবং এ কেবে হয়েছিল? এ হয়েছিল 10 জুলাই 1940 রু 31 অক্টোবর 1940 পর্যন্ত হয়েছিল। নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা, হোয়েন ডিড ইটলি গেট ইনভলভ ইন ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইটলি কেবে ইনভলভ হয়েছিল বা কেবে জয়েন করেছিল? 1940 মশারে, 1940 মশারে ইটলি জয়েন করেছিল 10 জুন 1940। নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা, হোয়েন ওয়াজ দ অ্যাটমিক বম ড্রপেড নাগাসাকি জাপান, নাগাসাকি জাপানে অ্যাটম বম পকা যাইছিল তার নাম কোন? ইউএস পকাইছিল, তার নাম হচ্ছে বা কেবে পকাইছিল? 6 অগস্টে, 9 অগস্টে, এর সঠিক আনসার হব 9 অগস্টে, 9 অগস্ট 1945 পকাইছিল, 6 অগস্টে হিরোশিমা ঠারে পকাইছিল। কুহাযায় লিটিল বয় এবং এই 9 অগস্টে যে পকাইছিল তাহা কুহাযায় ফ্যাট ম্যান। নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা, হুইচ অফ দ ফলোইং পলিটিক্যাল পার্টি বিলং টু হিটলর, হিটলর কেউ পার্টির বিলং করুছিল? হিটলর যে পার্টির বিলং করুছিল তাহলে কোণ কুহাযায়? নাজি পার্টি কুহাযায় বা দ ন্যাশনাল সোশিয়ালিস্ট জর্মান ওয়ার্কার্স পার্টি কুহাযায়? এ
नाजी पार्टी बा द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बा यहाँ को शॉर्टली कहा जाए यहाँ को एनएसडीएपी कहा जाए यहाँ को शॉर्टली कहा जाए एनएसडीएपी कहा जाए यहाँ को एनएसडीएपी पार्टी एथिरे बिलोंग करूथला हिटलर बा नाजी पार्टी बा द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी मध्ये था कहा जाए तेणु यार सटिक आंसर सी हेबो बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु आज द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड सेकेंड वर्ल्ड वार रे सोवियत यूनियन रो लीडर किए थे जोसेफ स्टालिन बा स्टालिन थिले सोवियत यूनियन रो लीडर थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वन द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड स्टालिनग्राड बैटल रे को कंट्री जीतीतिला बा को कंट्री जीतीतिला रूसिया रूसिया जीतीतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हेन डिड द यूएस एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार रे यूएस केबे एंटर करथिला 7 December 1941 मसीहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बैटल ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड सेकेंड वर्ल्ड वार लार्जेस्ट बैटल कोटा अटे बैटल ऑफ स्टालिनग्राड बैटल ऑफ स्टालिनग्राड हो लार्जेस्ट बैटल सेकेंड वर्ल्ड वार एवं यह 23 August 1942 2 February 1943 पर्यंत होता। ड्यूरींग सेकेंड वर्ल्ड वार इंडिया इज ए पार्ट ऑफ व्हिच फोर्सेस इंडिया को पार्ट रहा सेकेंड वर्ल्ड वार रे ब्रिटेन रो पार्ट थिला बा ब्रिटिश रो पार्ट थिला तेणु ब्रिटिश जो को पार्ट रे थिला एलाइड पावर तेणु इंडिया मध्ये हेबा एलाइड पावर। व्हेन डिड जर्मनी अटैक यूएसएसआर जर्मनी केबे अटैक करथिला यूएसएसआर को 1941 मसीहा अटैक करथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एवं 22 June 1941 यार एग्जैक्ट डेट होची 22 June 1941 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी एंडेड वर्ल्ड वार सेकेंड को ट्रीटी द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार एंड होइतिला पेरिस पीस ट्रीटी यार सटिक आंसर हबो पेरिस पीस ट्रीटी एवं फर्स्ट वर्ल्ड वार होइतिला ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स रे यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार रे एवं सेकेंड वर्ल्ड वार पेरिस पीस ट्रीटी एवं फर्स्ट वर्ल्ड वार पर लीग ऑफ नेशन को तैयार कराइला एवं यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार पर यूएनओ को तैयार कराइला तेणु यार सटिक आंसर हम पेरिस पीस ट्रीटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज ऑफ एडोल्फ हिटलर डेथ एडोल्फ हिटलर डेथ किपर होता से यार सटिक आंसर हूँ सुइसाइड से सुइसाइड कर डेथला केवे कर 30 April करप्रिल 1945 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट आज द नेम ऑफ द एटम बम व्हिच वाज ड्रॉपेड ऑन हिरोशिमा हिरोशिमा ठारे जो एटम बम पका जाइला तार नाम कौन अटे ताकि लिटिल बॉय एवं नागासाकी ठारे जो पका जाइला ताकि कहा जाए फैट मैन प्रथम पका जाइला 6 August 1945 हिरोशिमा ठारे लिटिल बॉय एवं 9 August 1945 कहा जाए फैट मैन नागासाकी ठारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हेन वाज द लिटिल बॉय बम ड्रॉपेड ऑन हिरोशिमा यूएस बाय यूएस लिटिल बॉय बम कोठारे केबे पकाइतिला 6 August 1945 लिटिल बॉय बम एवं 9 August 1945 फैट मैन नागासाकी ठारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु वाज द लीडर ऑफ द जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड सेकेंड वर्ल्ड वार रे जापान रो लीडर किए थे सेकेंड वर्ल्ड वार रे जापान रो लीडर किए थे सेकेंड वर्ल्ड वार रे जापान रो लीडर थे जापान रो लीडर थे हिरोहिटो थे यार सटिक आंसर हम हिरोहिटो जापान रो लीडर थे हिरोहिटो हिरोहिटो थे जापान रो लीडर सेकेंड वर्ल्ड रे लीडर थे जापान रो हिरोहिटो थे एवं यही हिडेकी टोजो थे पीएम थे यार जापान रो पीएम थे हिडेकी टोजो एवं हिरोहिटो थे लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड अराउंड 6 million यूरोपियन ज्यूज वाज मर्डर बिटवीन 1941 to 1945 दिस जेनोसाइड इज नोन एज यहाँ कौन कह जाए
1941 रु 1945 मध्यरे अनेक गुड़े ज्यूज मानू हिटलर मारी देते अन्य हैंडिकैप लोक मानक लेबर क्लास मानक अनेक गुड़े लोक मारी देते 1941 रु 1945 मैक्सिमम से ज्यूज मान लें हिटलर मारी देते यह कौन कहुए यह इनसीडेंट को कौन कहुए यह कहुए फाइनल सल्यूशन बाया को कहुए होलोकॉस्ट कहुए द होलोकॉस्ट कहुए यह होलोकॉस्ट कहुए बाए फाइनल सल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट बैटल ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड सेकेंड वर्ल्ड वार लास्ट बैटल कौटा होता लास्ट बैटल होता द बैटल ऑफ ओकिना ओकिनावा ओकिनावा बैटल होता ओकिनावा बैटल होता लास्ट बैटल सेकेंड वर्ल्ड वार एवं यह केबेतारु केबे पर्यंत होता फर्स्ट अप्रैल रु होता 22 जून पर्यंत फर्स्ट अप्रैल रु 22 जून 1945 पर्यंत होता फर्स्ट अप्रैल 1945 रु 22 जून 1945 पर्यंत होता एवं यह होची लास्ट बैटल बैटल ऑफ ओकिनावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु ओन द वर्ल्ड वार सेकेंड द्वितीय विश्वयुद्ध रे किए जीति को पार्टी जीति एलाइड पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ह्वाट वाज द ट्रीटी दैट एंडेड वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड दैट लेड सम ऑफ द अनरेस्ट अनरोड वुड एक्सप्लोर इन सेकेंड वर्ल्ड वार को ट्रीटी द्वारा प्रथम विश्वयुद्ध शेष होता एवं जहाँ द्वारा कि अनरेस्ट होता एवं सेकेंड वर्ल्ड वार आरंभ होता को ट्रीटी द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड होता एवं सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता यह कहुए ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स होता प्रथम विश्वयुद्ध पर 1919 जर्मनी और एलाइड पावर मध्य होता ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स यहाँ प्रथम विश्वयुद्ध लास्ट होता एवं यह द्वारा अनरेस्ट फिलिंग होता और जर्मनी को अनेक गुड़े अपमान सहवापी पड़ता ताद्वारा ही द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होता तेणु यार सठिक आंसर है ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ह्वाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिटलर हिटलर ऑटोबायोग्राफी को कहुए मे कैम्प कहुए यह तहार बुक गोटे अटे मे कैम्प बा इंग्लीश कहुए माय स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हेन डिड चाइना एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार चाइना केबे एंटर करथिला 1941 मसीह एंटर करथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच पार्टी कम टू पावर इन इंग्लैंड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्वयुद्ध जितेबले शेष होता तापर इंग्लैंड रे को पार्टी आसीला द्वितीय विश्वयुद्ध जितेबले शेष होता 1945 मसीह सेकेंड सेप्टेम्बर 1945 मसीह द्वितीय विश्वयुद्ध शेष होता से समय इंग्लैंड ठारे को पार्टी आसीला यह कहुए लेबर पार्टी आसीला से समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जर्मनी इनवेजन ऑफ व्हिच कंट्री स्टार्टेड वर्ल्ड वार सेकेंड जर्मनी को देश सहित आक्रमण करथिला जहाद्वारा कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता फ्रांस सहित ना जापान सहित ना पोलैंड सहित ना बोस्निया सहित यार आंसर आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ जर्मनी को देश सहित आक्रमण करथिला जहाद्वारा कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता सेकेंड वर्ल्ड वार केबे स्टार्ट होता और केबे एंड होता ताहा कमेंट बॉक्स रे आप कमेंट करूँ तेणु आपड़ जदि चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना करूँ और फर्स्ट वर्ल्ड वार आप क्लास देखी ना डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छे आप देखिपारे तेणु थैंक यू।